रानियां लोग यही कुएं पे नहाती थी और काफी अद्भुत कुआं है। तो देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पे कुछ खजाना था जो छिपा के रखा गया था। नमस्कार दोस्तों, आस्था नेचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे काशी नरेश के एक किले के बारे में, आपको दिखाएंगे और वो किला जो काफी सदियों से बंद है काशी नरेश का है और वहाँ भी एक अद्भुत कुआं है जो रानी वहाँ पे स्नान करती थी, वो उस कुएं को दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल आस्था नेचर। अब हम पहुंच गए हैं गंगा तट पे, अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से हम पार होंगे और उस पार जाएंगे, लेके चलेंगे आपको काशी नरेश महाराजा जी का जो किला है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यही राजा काशी नरेश का किला है जो कि बंद पड़ा है और इसकी कुछ और भी अवशेष हैं वो हम आपको दिखाएंगे। बीजापुर में स्थित महाराजा काशी नरेश का एक किला। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया काशी नरेश का जो किला था और वो जगह को भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ की उनकी रानियाँ महारानियाँ जो स्नान करती थी, आज भी वो जगह यहाँ पर स्थित है और बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ पर रानियाँ स्नान करती थी, आज भी उनके अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो कुआं आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तालाब दिखाएंगे जहाँ रानियाँ स्नान करती थी काशी नरेश की। तो आइए आपको ले चलते हैं उस तालाब के पास, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल आस्था नेचर। तो चलो आगे की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों जिसका हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे रास्ते में, आपको जिसका हमने बखान किया, वो यही कुआं है जो रानियों के लिए बनाया गया था, जो महारानियां लोग नहाती थी, काशी नरेश के जो फैमिली थी वो यहाँ पे इसी कुएं पे नहाती थी। और ये कुआं काफ़ी ध्वस्त हो चुका है लेकिन आज भी इस कुएं की काफ़ी कुछ झलकियाँ हैं जो बखूबी खूबसूरती में एक अद्भुत हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कुएं के पास और कुएं का दिखाते हैं कुछ रहस्यमय चीज़ें और उसके बारे में देते हैं आपको जानकारी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कुएं का जो बनाया गया है, इतिहासकारों ने जिस प्रकार से इसको बनाया है आज भी अपनी जगह पर स्थित है। हालांकि ये ध्वस्त भी हो चुका है लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षण भरी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो जगह जगह है काफी खंडर जैसे हो गए हैं लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो कुआं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रानी जो नहाया करती थी, काशी नरेश से जुड़ी हुई एक अद्भुत जगह के जो कि हम पहुंचे हुए हैं, ये बीजापुर में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए आप एक छोटी सी फिर यहाँ पे गेट बनाई गई है। अब गेट के अंदर से अगर हम देखेंगे तो आपको कुएं के पास हूबहू हम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वही कुआं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि रानियां लोग यही कुएं पे नहाती थी और काफी अद्भुत कुआं है, काफी पुराना कुआं है जो कि शायद हम आपको इसके बारे में जानकारी देने में कुछ हमें कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी हम आपको बता दें बहुत ही पुराना है। और आप देख सकते हैं ये कुएं के पानी जो है अभी भी बरकरार है और यहाँ पे जो डिजाइन बनाया गया है देख सकते हैं आप, पत्थरों पे जिस प्रकार डिजाइन हुआ है तो एक अद्भुत अपने आप में है। तो आप देख सकते हैं ये जो कुआं है वहां तक पहुंचने के लिए यहां से नहीं, एक हमारे पीछे से रास्ता है वो आप देख सकते हैं, सामने नीचे जो दिखाई दे रहा है सीढ़ियां, उस सीढ़ियों से चल के रानी लोग आती थी, वहां बैठने का काफी अच्छा स्थान है और छोटे छोटे वहां भी कुछ ऐसे जगह बनाए गए हैं जहां पे बैठ के स्नान करते थे। ये वो कुआं है जो कि सदियों पुराना होते हुए भी आज अपने खूबसूरती में एक अद्भुत और एक अलग दिखाई देता है। तो हम आपको वो रास्ते भी दिखाएंगे जिस प्रकार हम सीढ़ियों से अंदर तक जा सकते हैं लेकिन ध्वस्त होने के बावजूद शायद हम अंदर तक ना जा सके, लेकिन वो रास्ते हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल आस्था नेचर। और हर एक की तरह आपको एक बात और हम जानकारी देते, कुछ ऐसे अद्भुत चीज जो छूट गए हैं वो हर एक वो चीज को हम दिखाएंगे। और तो दोस्तों हम ले चलते हैं आपको उस रंग की तरफ जिस तरह से रानी जाती थी नहाने के लिए, वो रास्ते आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको अंदर से दिखाया, ये वही रास्ता है जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हो पूरी तरह ध्वस्त हैं। तो ये सीढ़ियाँ हमको तालाब कुएं के पास तक ले जाती थी, एकदम आप देख सकते हैं पास तक यहाँ से हमको कुएं का पानी मिल सकता है लेकिन पूरा ध्वस्त हो गया है तो इसलिए हमें जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं इस कुएं की जो कहानियाँ हैं वो आपको हमने दिखाया और किस प्रकार से ध्वस्त हुआ यह कुआं सामने आपके है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, तो यहाँ के रहने वाले एक चाचा जी हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारियाँ लेंगे इस जगह के बारे में। तो चाचा जी मतलब आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ,
हमारा यही जगह खेत बारी बोते जोते हैं सब खेत। तो ये सब पहले टूट फूट गया है? पहले टूट उठ कैसे गया सब कुछ? सब तोड़ ले गए ना। हाँ पहले तोड़ ले गए। हाँ हाँ मैं न रही पहले। हाँ 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 तो जैसे बता रहे हैं क्या था ऐसा ही कुछ? पहले इसमें दौलत रही। दौलत था? हाँ दौलत था। तहल ले गए सब। अच्छा सब तोड़ फोड़ मचा दिए पहले। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं बता रहे हैं दौलत मतलब यहाँ पे कुछ खजाने जो थे वो छिपा के रखे गए थे। हाँ। इसलिए इसको तोड़ा गया। हाँ, उसी लिए। और इसके पहले शायद कोई आया था जो कि नक्शा लेकर। हाँ। क्या लेकर मतलब कैसे बता रहे हैं? वो कागज में नक्शा रहा पूरा अंग्रेज की जवानी का। हाँ 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 वो लड़की ले आया था वो कुल हेरता था। अच्छा उसकी लगे नक्शा है इसका। नक्शा है तो और कहाँ कहाँ तोड़ा था वो जरा बताएंगे हमको? हाँ कहाँ कहाँ तोड़ा था कैसे? और यहाँ तोड़ा है आप देख सकते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से चाचा जी दिखा रहे हैं जो यहाँ पे कुछ चीजें रखा था अवशेष था उसको तोड़ के हटाया गया है। तो देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पे कुछ खजाना था जो छिपा के रखा गया था। तो एक लोग आए यहाँ पे यहाँ का सर्च किए और तोड़ फोड़ के ले गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूटा है। हाँ तो ये सब तोड़ा गया चाचा जी? तोड़ा गया है सब? सब तोड़ लगे। अच्छा बेकार कर दिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बता रहे हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत कुआं था जो कि रानियों के लिए बनाया गया था। अंगनई था ये। तो कैसे नक्शा लेके मतलब कहां कहां से कैसे क्या किया? इस अंगनई है ये पूरा अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है। इसमें दौलत हेरने के लिए सब नाश कर दिए। अच्छा हाँ ये अंगनई है। अंगनई है दौलत ढूंढने के लिए सब लोग नाश तोड़ फोड़ दिए। तो कैसे मतलब रास्ता जो है नाफिया है? अच्छा इसके अंदर बड़े बहुत पुराने कुआं है। हाँ हाँ कुआं है। हाँ हाँ इसमें पहले लोग बताते थे समाज में पैदाइशी नहीं। हाँ हाँ और पुराने जो अधिक हैं। अच्छा कहते हैं यहाँ 12 बजे कुआं चमकता था। अच्छा इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अच्छा एक पार्ट हटे तब दिखाए। अच्छा अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ मूर्तियां रखी थी। हाँ हाँ मूर्तियां सब रखी थी। अच्छा मूर्तियाँ के सब फेंक दिया गया इधर उधर। सब तोड़ फोड़ के हेर क्यों? तो जैसा कि आप देख रहे हैं जानकारी दे रहे हैं इनको भी नहीं पता इनके कितने साल इनका जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ। उस समय से एक कुआं है। हाँ। जो कि मतलब यहाँ पे काफी हाँ। जानकारियां मिल रही हैं हमको। तो ये जो कुआं था रात को अपने आप मतलब एक लाइट बहुत गजब खूबसूरत दिखता था। तो कुछ लोग आए थे यहाँ पे जो इसको तोड़ फोड़ के पूरी तरह से कुछ यहाँ के अवशेष जो थे वो ढूंढ ले गए ना चाचा जी। अब भाई आवत। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया काशी नरेश का किला और वो कुआं जो यहाँ पे रानियां नहाती थी। तो आपको एक बात और हम जानकारी देते चले ये यहाँ पे पहुँचने के लिए करीब करीब हम 20 से 25 किलोमीटर का सफर करके तय करके आए हैं। और आपको वो हर एक चीज इतिहास से जुड़ी हुई चीजें जो है वो दिखा रहे हैं जो काशी नरेश राजा थे हमारे काशी के वाराणसी के बहुत ही अद्भुत राजा थे। उनका जो भी जहाँ पे रहे हैं वो जगह को हमने दिखाया और रानियां जो नहाती थी वो कुएं को भी दिखाया। तो इतिहास से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। बस आपका हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं अगर आप हमारे नए चैनल पर जुड़ रहे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो हमारे वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सकें।